यहाँ पे आवाज घुसती है। ठीक है, ये जो जगह इन जगहों को हॉन्टेड बताते हैं कि रात को गुफाओं में से आवाजें आती हैं। जो पूरे एरिया दिख रहा है आपको, ये जो काम चल रहा है यहाँ पे होती है वोटिंग। अगर 4-5 महीने बाद आओगे आप यहाँ पे तो यहाँ पे वोटिंग आप कर सकोगे। बाहर मैंने ये वीडियो सही बनाई क्योंकि यार वहाँ पे काम चल रहा है, तो 4-5 महीने बाद ये यहाँ की जगह काफ़ी अच्छी होने वाली है। वोटिंग सब शायद फैमिली के लिए अच्छी हो रहा है, अभी तो कुछ फैमिली के लिए अच्छी है नहीं, एज ए कपल आते हो तो आपके लिए अच्छी है, फैमिली के लिए। तो अब आओगे ना तो आँखें बंद करके बाहर से बाहर ही चले जाओगे, तो मैं पूरा ये दिखाने वाला हूँ कि कितना बड़ा है, क्या क्या सीन है। तो चलो मेरे साथ। तो मैं इस टाइम आ गया बिल्कुल बीच में, और बीच में मैं दिखाता हूँ इस साइड। ये देखोगे ये वो जो दिख रहा है एंड, वो जो मीनार से दिख रही है जो बना हुआ है वहाँ पे वो एंड है, एंड इधर थोड़ा पीछे से है, पीछे है काफ़ी दूर तक है। एंड इधर की बात करूँ तो इधर जाओगे ना इस साइड है कैंटीन, और उधर मतलब वो जो दीवार से दिख रही है ना बस उतना ही है। तो यहाँ पे अभी तक जितने भी मुझे दिखे हैं, जैसे आपने पहले वीडियो में देखा होगा, सिर्फ कपल्स तो अच्छा है कपल्स के लिए अच्छा है, इसलिए क्योंकि आप आते हो ना तो ये सेफ है बस ये। और यार देखो कई लोग ना इस वीडियो को गलत ही बोलेंगे अच्छा ही बोलेंगे, तो चलो ठीक है मैं ये ना यहाँ से निकलूँगा तो एक गाना बजाऊँगा वो अभी जो नया आया है, तो वो सुन लेना, और उस गाने के सुनने के बाद मैं उसका मतलब बता दूंगा। वो थोड़ा ना हेडफोन यूज करना, थोड़ी इसमें से गाली है। लड़कियां पटाके उनको बंदी बोलते हैं, और जो राजी ना हो उनको साले रंडी बोलते हैं। तो इस गाने में थोड़ी सी गाली है, वो बड़ी सच्चाई बताई उन्होंने कि यार अगर किसी की आपकी गर्लफ्रेंड हुई ना तो आपको ये वीडियो बड़ी अच्छी लगेगी, अगर आपकी गर्लफ्रेंड नहीं है ना तो ये बंदा सोचोगा अरे क्या हुतियापा कर रहा है बंदा। और एक बात बताऊँ, अगर एक लड़का उसकी ना 10-15 गर्लफ्रेंड है तो बंदा वो प्लेबॉय कहलाता है, अगर वो एक लड़की है और उसका दो तीन बॉयफ्रेंड रह चुके हैं ना तो उसको लड़के किस कैटेगरी में ले लेते हैं समझ सकते हो। तो ठीक है ये वो मस्जिद है, आई थिंक ये मस्जिद है ना, कहीं लिखा ही नहीं है कुछ यार, बंदे को कहाँ से पता लग गया। तो ठीक है ये एक जगह है थोड़ी यहाँ पे जहाँ पे आप कुछ, ये एक जगह है यहाँ पे जहाँ पे आप कुछ देख सकते हैं। जाओ दिखाओ कोई है यहाँ पे आवाज़ घुसती है। ठीक है, तो मैंने कहीं पढ़ा था और मैंने सुना भी था कई लोगों से, कई वीडियो से, कि ये जगह ना पुराने किला की हॉन्टेड है। तो रात का शो भी मैं देखने वाले हम कि रात में क्या होता है, कपल्स रात में रहते हैं नहीं, या फिर कुछ हमें थोड़ा हॉन्टेड फील होता है कि नहीं। बाकी अभी नीचे जा रहे हैं, नीचे देखते हैं क्या सीन है। तो यहाँ पे देखो नीचे आओगे ना तो ये देखो ये छोटे छोटे कमरे बने हुए हैं। मोहित एक बार अंदर की तरफ दिखाना। अंधेरा भाई, ये देखो अंधेरा, यहाँ पे छोटे छोटे कमरे बने हैं, ये किस यूज़ में आते थे कुछ पता नहीं। और ये नीचे गुफा टाइप है कुछ, ये नीचे जा रही है, हम नीचे जाते हैं देखते हैं क्या सीन है। अभी यहाँ पे तो हवा चल रही है, कुछ हॉन्टेड वाला कुछ सीन नहीं दिख रहा, लोग आए जा रहे हैं। एंड ये देखो ये गुफा टाइप है कुछ, इधर यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा। यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा, इससे आगे नहीं जाएंगे, यहीं से वापस हो रहे हैं। गुफा टाइप है ये नीचे कुछ, ये गुफा कहाँ जाती है कुछ पता नहीं। तो यहाँ से बाहर निकल रहे हैं, आ जाओ कि देखो एक बार इधर आ इस साइड, ये दिख रहा होगा ये गुफा है ना, ये किधर को जा रही है। तो वहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा कि वहाँ से अंदर जाएं। ये जगह मैंने नहीं देखी जब मैं फर्स्ट टाइम आया, सेकंड टाइम आया तो उनकी दिख रही है। ये जो जगह इन जगहों को हॉन्टेड बताते हैं कि रात को गुफाओं में से आवाज़ें आती हैं वगैरह वगैरह। तो अभी हम बाहर निकल रहे हैं, यहाँ से कुछ दिखा नहीं वहाँ पे तो जाएँ क्या, मतलब पैर रखने की जगह ही नहीं है कि चले कैसे। और कुछ नहीं है, ये देखो एक गुफा इधर, मोहित थोड़े इधर, एक गुफा दिख रही होगी आपको, ये देखो नीचे की तरफ जो जा रही है ये भी एक गुफा है, और ये अंदर दूर तक जा रही है। इसमें जा सकते हैं कि नहीं जा सकते कुछ आइडिया नहीं। एक बार मैं अपने दोस्त को भेजता हूँ, दीसू देख के आइए भाई।
जा जा दी सूझ जा जी अपनी जिंदगी। ये देखो इसको किसी से डर नहीं लगता, तो ये जा रहा है गुफा में। जा दी सूझ बाय। क्या बंद है? चलो एक बार आओ गुफा में चलते हैं, गुफा में देखते क्या सीन। हटना चलना हट हट। अब क्यों चल रहे हो आगे? चल 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 चल। ये देखो ये गुफा है अंदर, देखा मोहित, और ये कहाँ तक गई है कुछ नहीं पता, मतलब काफी अंदर तक है और कुछ जा नहीं सकते, इसके बाहर निकल यहाँ तो डर लग रहा है। कपल्स लगे हुए हैं भाई, ये सही जगह कपल्स के लिए, मतलब देखो सामने देखो। देखो यहाँ पे इस साइड दिखाऊँ तो मैं, ये देखो इधर ये है पूरा पार्क, पार्क का एरिया मतलब सही है। इधर अगर बाहर बैठता तो कपल्स आगे इस समय बैठते हैं, तो भाई इधर देखो, इधर आओ इधर आओ इधर आओ इधर आओ इधर आओ इधर आओ। वो देखो दो कपल्स दिख रहे होंगे उधर पीछे, दिख रहे हैं वो दो कपल्स दिख रहे होंगे पीछे, मतलब यहाँ पे आके यार उनको ना थोड़ा सा अंधेरा अंधेरा होता तो अकेलापन मिल जाता है उनको इधर, तो यहाँ पे क्योंकि इधर कोई नहीं आ रहा है, गुफाओं सी गुफाएं सी हैं कुछ। तो यार ये देखो वो देखो फिर से आ गए एक कपल, ये थोड़ा रिस्की काम है इधर आके ऐसे बैठना बैठना, बाकी जो कपल्स हैं यार उनको तो बस एक अकेलापन चाहिए, वो नहीं देखते कि यार हम क्या रिस्क उठा रहे हैं। तो भाई आप अगर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आते हो तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखो यार, कि अगर आपके साथ फिर अनहोनी कुछ हो जाएगी ना, तो ना आप घर वालों को कह सकते हैं, ना पुलिस वालों को कुछ कह सकते हैं, ना किसी और कुछ नहीं कह सकते। तो इन ऐसी जगह पर बैठने से थोड़ा थोड़ा बचें, क्योंकि यहाँ पे सब लोग आते हैं, सब मतलब पूरा ग्रुप आता है लड़कों का, एंड वो यार लोग कई लोग ना तो यहाँ पे ऐसे देखने ही आते हैं। वो पीछे चेयर दिख रही है, तो यहाँ पे होता है रात का शो, सब कुछ इतिहास बताते हैं यहाँ पे। तो अगर यहाँ पे अगर यहाँ पे कार्ड से पेमेंट होती होगी तो हम आने वाले हैं, रुकने वाले हैं यहाँ पे, अगर नहीं होती होगी तो घर को जाने वाले हैं। ठीक है देखते क्या होता है। वो देखो यार कपल्स बैठे हुए हैं वहाँ पे, और उसके बगल में वो जो 6-7 लोग बैठे हुए हैं वो उनको देखे जा रहे हैं। तो छुट्टी वाले दिन अगर आप आते हो ना, तो यहाँ पे एक ही दिक्कत है कि यहाँ पे फालतू के लोग काफ़ी आते हैं ऐसे देखने, तो उस दिन ना आओ, बाकी और दिन आओ बड़ा अच्छा है कपल्स के लिए अच्छा है। देखो यार मैं कोई गंद नहीं फैला रहा, मैं कुछ फैला रहा हूँ, बस मेरा ये मतलब है कि कौन सी जगह किसके लिए अच्छी है वो ही है। फैमिली वाले यहाँ पे 2-3 घुसे, घुसते के साथ उन्होंने यूं यूं देखा दोनों तरफ और वापस चले गए। तो मैंने कहा क्या हो, कई जगह कई पार्क में या कई भी घूमने की जगह पर हम कुछ नहीं आ सकते, चिप्स और कुरकुरे बाहर तो नहीं ले सकते, बट यहाँ पर नहीं ला सकते, यहाँ पर ला सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो सीन ये शाम के 6:30 हो चुके हैं, तो शाम को 6:30 बजे करीब ये बंद हो जाता है, तो गार्ड कह रहे हैं कि बाहर निकल जाओ, और हमने सोचा कि रात का शो देखेंगे, बट ये जो मेरे साथ जो आए हुए हैं मेरे दोस्त, ये कह रहे हैं नहीं देखेंगे क्योंकि बड़ा पका हुआ होता है। मैं लाल किले का देख चुका हूँ एक बार, मतलब ऐसा था कि मैं उठ के चला जाऊँ, इतना पक चुका था। अगर आप और आना चाहते हो, देखना चाहते हो, स्ट्रीम इंटरेस्टेड हो तो देख लेना, वैसे कोई ज़रूरत नहीं है देखने की, पक जाओगे बुरा हाल हो जाएगा आपका। तो सीन ये है, मैं बता रहा हूँ कि एज ए कपल आ रहे हो तो बेस्ट जगह, फैमिली के साथ आ रहे हो तो मत आना, दोस्तों के साथ आना है तो आ जाओ। टिकट है इसकी 25 रुपये की, पड़ता कहाँ है, जू के पास पड़ता है भाई, जो चिड़ियाघर है ना वहीं पर ही, उसके जस्ट सामने ही है। और फैमिली के साथ अगर आपको आना भी है ना, तो कुछ 4-5 महीने बाद यहाँ पर वोटिंग स्टार्ट हो जाएगी, अच्छा खासा बनने वाला है, तो मज़े उड़ाएंगे वहाँ पर। और कई लोग जा रहे हैं, गार्ड सीटी बजा रहा है कि जाओ 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 तो अब निकलते हैं, ठीक है। और ये देखो मैं बस दिखा दूँ यहाँ पे कि ये कैसा है, तो ये देखो मोहित घूमना मेरे साथ, ये देखो इस तरह का कुछ है, एंड इधर देखो इधर देखो इधर देखो, यहाँ से काफ़ी बड़ा है, मतलब उधर देखो उधर देखो देखो, देखते रहो पीछे, मेरे साथ ध्यान मत दो, काफ़ी बड़ा है काफ़ी बड़ा है, मज़ा आ जाएगा अगर आप घूमने आते हो तो, मतलब स्पेस की कोई दिक्कत नहीं होगी कि स्पेस कम है और हमें बैठेगा, आपको बहुत स्पेस मिल जाएगा। अगर आप सिंपल ऐसे चाहते हो कि बस बैठें कुछ बातें करें, तो ये जगह, इससे ज़्यादा कुछ चाहते हो तो भाई वो देखो उधर करो,
इधर कुछ झाड़ियाँ वाड़ियाँ हैं, तो इधर जाके आप समझ जाओ मैं खुल के नहीं समझाऊँगा और मैं किसी प्रकार का कोई गंद नहीं फैला रहा हूँ, बस मैं बता रहा हूँ कि ये जगह किसके लिए अच्छी है किसके लिए नहीं। बाकी वो देखो वो जो वहाँ पे लाइट जल रही है ना, वहाँ पे कुछ साइंस वाइंस पता नहीं क्या सीन है वो होता है वहाँ पे। मैं ऐसी बोरिंग जगह पे नहीं जाता, बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है तो, और कैमरा भी अलाउड नहीं है वहाँ पे, तो मैं गया नहीं। अब रात का सो हमने डिसाइड किया है कि हम नहीं देखेंगे। बाकी ये देखो लोग, अब हम मेरी तरह काफ़ी लोग निकल रहे हैं यहाँ से, वो रहा गेट। एंड कभी भी आओ ना तो देखो यहाँ से बड़ा अच्छा दिखता है ऊपर का देखने में। बाकी तो ये टूट चुका है, इसका काम चल रहा है बनाने में, ये झाड़ियाँ वाड़ी लगा दी हैं। बाकी इस गेट से हम जा रहे हैं बाहर, वीडियो यहीं होती है ख़त्म तब तक के लिए। और कुछ मेरी बातें बुरी लगी हो किसी को तो यार माफ़ी चाहूँगा, और अच्छी लगी हुई तो लाइक कमेंट शेयर, मतलब ये बता देना कि यार कि मैं अगली जगह कहाँ जाऊँ। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए। और हाँ, बाइक से कहने से पहले जिन बंदों को यार फोटो वोटो खिंचवाने का शौक़ है ना, कुछ अलग सा कुछ करना है फोटो में, तो यार आ जाओ बेस्ट जगह। उनको लिख रखा है इन्होंने कि यार फोटो नहीं खींच सकते, वीडियो नहीं बना सकते, बट ऐसा कुछ नहीं है। देखो मैं वीडियो बना रहा हूँ, फोटो कैसे ना बड़ा सिंपल होता, तो आप बना सकते हो खींच सकते हो। बाकी सब जा रहे हैं बाहर, हम भी निकल रहे हैं बाहर, वीडियो ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।